सुनना चाहते हैं रोटिका का, हिंदुस्तानी हेरिटेज वात्सायन की नहीं, कामसूत्र का शहर मुल्क है नहीं हमारा, तो ये हमने इसकी इसको जन्म नहीं दिया, ये हमारे पुरखों की देन है। और जब हमने आंख खोली तो हमारे बड़े प्रीडेसेसर्स थे, केदार शर्मा साहब थे एक राज कपूर के गुरु, उनको विरासत, राज कपूर साहब को विरासत में एरोटिका जो है केदार शर्मा साहब ने दी थी, राज कपूर साहब ने हमारे जनरेशन को दी। तो एरोटिका कोई नई कोई क्रिएशन है नहीं, और ये अगर आप इसको एक एरोटिक फिल्म कह रहे हैं तो शायद इसको आप डिफाइन सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर एक सेक्सुअल कंपोनेंट जरूर है, मगर ये केवल एक टिटिलेटिंग फिल्म नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई, एक तन्हाई जो है आज के दौर की उसको दर्शाती है। ये आपके रूह के अंदर पहुंच जाती है, केवल जिस्म तक सीमित नहीं है फिल्म। तो ये फिल्म जो है इस कैटेगरी में बैठती नहीं मेरे हिसाब से। हाँ, इसमें सेक्सुअल कंपोनेंट है, और सेक्सुअल कंपोनेंट को बहुत ही निडर होकर इन्होंने इस्तेमाल किया। वेल, अजय इज अ फैबुलस डायरेक्टर, सो आई वाज वेरी हैप्पी टू सी कि अजय जिस तरह से मुझे गाइड किए फिल्म के दौरान, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, एंड दैट इज व्हाट आई गॉट फ्रॉम बैक फ्रॉम अजय, the way he guided me, the way he brought out the talent which was there in me to get that out of me, that again is all in the director's hand. He can really twist you and destroy your career, or he can really take you to places, and I'm very happy. After doing this film, I'm proud of this film and proud of my work, and that was only possible with Ajay's direction. And as for Mr. Mahesh Bhatji, just the fact I'm standing on the same platform as him right now today, I have no words for it. You know. हाँ, so basically कहानी में बहुत दम था, किरदार में बहुत दम था, मैं अपना चेहरा देना चाहती थी एक ऐसी औरत को, मैं उसकी परेशानियाँ और उसकी उसके दुख समझना चाहती थी, मैं उसको गलत नहीं मानना चाहती थी, बस, और ये ऐसा बहुत सौभाग्य से होता है। See, the age difference is, I think, totally incidental. I mean, I'm sure you, I know the film that you're alluding to. By chance, koi soch ke nahi banaya ke, aur mere liye kahani ek chote ladke aur badi aurat ki to hai hi nahi. Theek hai, wo to surface pe ye do character, unki umar hi hai. Kahani ka usse koi lena dena nahi, kahani ekdam alag hai. To, baki the other film that you're talking about, I don't know, but this is definitely a coincidence. Secondly, this is a fallacy that there's a 22... मिनट लॉन्ग लव मेकिंग सीन इन द फिल्म, पिक्चर 100 मिनट की, अगर 22 मिनट लव मेकिंग दिखाऊंगा तो कहानी कब बोलूंगा। तो वो किसी ने छाप दिया, अब वो चिपक गया है, वो चलते जा रहे, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। आज तो मैं तारीफ करता हूँ कि ऐसे डायरेक्टर की बहुत जरूरत है, और उन्होंने मेहनत जो की है, मैं समझता हूँ पिक्चर लगने के बाद सब उसकी तारीफ और करेंगे। आज तो हम लोग इसमें क्वेश्चन मार्क रख के चल रहे। मेरे हिसाब से अलग अलग टाइप की पिक्चर बनती है। आप जो बोल रहे हो मेरे को समझ नहीं पड़ता है कि आप गुलाब गैंग और इसके सामने कंपैरिजन क्यों करते हो, मेरे को समझ नहीं पड़ता है। देखिए, वो दुकानदारी हर चीज में नहीं देखनी चाहिए। मुझे लगता है कि इफ्तार का एक अवसर था, रमजान का महीना था, दो हमारे अपने सुपरस्टार्स हैं, उन्होंने एक दूसरे को आमने सामने देखकर वही किया जो रमजान के महीने में लोग करते हैं, आगे बढ़कर शिद्दत से गले लगते हैं और पुराने बैर जो हैं उसको इतिहास के कूड़े करकट में फेंक कर एक नई सुबह, एक नई जीवन की शुरुआत करते हैं। देखिए, संजय दत्त एक हाइपरटेंशन के मरीज हैं, ये एक सच्चाई है जो उसके करीब के लोग जानते हैं। हाँ, जेल में जाकर वो प्रॉब्लम थोड़ी सी एग्जैजरेट हो गई है, एग्रेवेट हो गई है, हम सब चिंतित थे, मगर फिलहाल हालात ठीक हैं, मगर एक इशू है जो हमें सताता रहता है। हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में सेक्स इज़ ओवररेटेड, शायद कहीं पे, क्योंकि हम इसको दर्शाने से या इसकी बात करने से इतना कतराते हैं, हालांकि हम ही हैं जो खजुराहो के मंदिर बना के बैठे हैं, और हम ही हैं जिसने कामसूत्रा की रचना की, लेकिन फिर भी, सो नेवर माइंड, कोई बात नहीं। आई थिंक इट्स ओके कि लोगों को, दे शुड गेट ओवर विद इट, और जितनी जल्दी वो लोग समझ पाएं कि सेक्स के परे
क्योंकि वहाँ पे आके फिर आप बहुत चीज़ें लिमिट कर देते हैं क्रिएटिवली भी. तो इस फिल्म में, इस फिल्म की ज़रूरत थी. और मैंने ये रोल क्यों किया, क्योंकि ऐसा रोल मुझे एक बहुत अरसे बाद मिला और जहाँ मैं इस औरत को अपना चेहरा देना चाहती थी, मैं उसकी परेशानियाँ और दिक्कतें समझना चाहती थी. और तो बस इसलिए. So my character is this guy who loses his family in a car accident. So he moves into this, he moves into his aunt's house where he's mistreated. So he's going through a very tough time where he has no parents and he has no money, nothing. And that is the point when he gets seduced by this auntie, this neighbor of his. And she gets him drawn into the male prostitution scene. He doesn't want to go there, but he's helpless. And that is what the whole movie is all about. How the society feeds on the weak. And that speaks a lot about the movie as well as the character. Shilpa is a very thorough professional actor. You know, she made me comfortable doing all the scenes. Had she been an actress who throws a lot of tantrums, an actor like that, then it would have been very difficult for me, because it is such a difficult part that I had to play, and this being my first film as a protagonist, it would have gotten very, very difficult. So to have a co-actor who's very down to earth, it helps you, you know, in the long run, it does. The story is based on, the film is based on a short story called The Railway Auntie, which was published in HarperCollins book called Delhi Noir in 2010. And we took the rights of the story and we converted that into a screenplay and we made the film. Film, as you know, has been awarded in many festivals and stuff like that. The biggest high, or the biggest the best feeling about this film is what Vatsav has said about the film, what Mr. Bhardwaj has said about the film. And it's just you know, bahut zyada hausla afzai hoti hai, kyunki ye log hamare Bhatt Sahab, Vishal Bhardwaj, they are like icons jinko, jinki wajah se meri generation ne at least film banana shuru kiya tha. मन में यू नो चाह जागी थी कि मैं भी एक दिन फिल्म बनाऊंगा. तो अगर वो लोग फिल्म को अप्रिशिएट करते हैं तो उससे बड़ा मेरे लिए कोई इनाम नहीं है.